नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपने दाहिने पैर के तले के ऊपर आप किसी का भी नाम लिखकर उसको परमानेंटली अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसको वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह प्रचंड उपाय खास तौर पर गुरु माता जी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको अगर आप एक बार कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं उसको परमानेंटली आप अपने वश में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, किसी लड़के को आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, किसी आदमी को आप अपने प्यार में पागल करना चाहते हैं, या फिर उसको वश में करके आप अपने काम निकलवाना चाहते हैं, तो ये प्रचंड उपाय आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, एक बात का यहाँ पे आपने खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये उपाय आपने तभी करना है अगर आप 100% श्योर हैं कि आप उस व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार उसको वश में कर लेते हैं तो दोबारा से उसको इस वशीकरण से दूर करने का कोई भी उपाय नहीं हो पाएगा और आप उसको परमानेंटली अपने वश में करके रख सकेंगे और कभी भी उसको अपने दूर नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को अपने वश में करने से पहले इस बात को श्योर कर लेना है कि आप वाकई में उसको वश में करना चाहते हैं। आइए जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है और कब करना है। दोस्तों, इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन रात 10 बजे से 1 बजे के बीच में करना है। 10 बजे से 1 बजे का बीच जो समय है वो परफेक्ट समय है इस उपाय को करने का। सबसे पहले आपने आसन बिठाकर बैठ जाना है और अपने दाहिने पैर को अपने बाईं जांघ के ऊपर करके रखना है। इसके बाद आपने आंखें बंद करके उस व्यक्ति का अक्स अपने दिमाग में क्रिएट करना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसको आपने स्मरण रखना है और एक मंत्र का जाप आपने 121 बार करना शुरू करना है। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम आपने अपने पैर के दाहिने तली के ऊपर लिखना है। इस नाम को आपने काली स्याही के साथ लिखना है और किसी भी स्याही का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो इस पैर को आपने एक दिन तक धोना नहीं है। आप जैसे ही ये उपाय करेंगे आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं वो व्यक्ति परमानेंटली आपके वश में आ जाएगा। इस पैर को आप एक दिन तक ना धोएं, उसके बाद आप धो सकते हैं। तो अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं, इसमें यूज होने वाले मंत्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो कि आपके कुंडली के हिसाब से ही तैयार किया जाता है, किसी भी आशंका को आप दूर करना चाहते हैं, तो बिना देर करते हुए स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबरों पर कॉल करके गुरु माँ सरोज देवी जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।